हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, NCVAP UG एडमिशन 2023 के लिए फाइनली दो कट ऑफ्स आ चुकी है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि टॉप कॉलेजेस में मिरांडा हाउस और हंसराज कॉलेज ने टॉप किया है इस बार। जी हाँ, हर साल की तरह सबसे ज़्यादा जो आवेदन मिले हैं कॉलेज NCVAP कॉलेज को, वो मिरांडा हाउस और हंसराज कॉलेज में सबसे ज़्यादा आवेदन गर्ल्स ने किए हैं। और कहीं ना कहीं अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो तीसरी कट ऑफ आने वाली है, जो तीसरी थर्ड कट ऑफ आएगी, उस कट ऑफ में कहीं ना कहीं एडमिशन हमें क्लोज ज़्यादातर कॉलेज में हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें मिरांडा नंबर वन पे रहेगा, नंबर टू पे हंसराज रहेगा। तो ये दोनों कॉलेजेस ऐसे थे जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के फेवरेट रहे। तीसरे नंबर पे JMC रहा, यानी जीसस मैरी कॉलेज, जो क्रिश्चियन का कॉलेज है, तो वो भी नंबर थर्ड पर रहा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आवेदन देखने को मिले। और चौथे नंबर पे रहा मैत्री कॉलेज, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आवेदन मिले। बट हंसराज और मिरांडा तीसरी कट ऑफ्स के बाद इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो अभी डेटा तो नहीं आया, बट ये टॉप पर रहे हैं। और ये अपडेट दिया गया है कि तीसरी कट ऑफ में हमें कुछ सीट्स खाली मिले, बट तीसरी कट ऑफ के बाद जो भी चौथी या पाँचवीं कट ऑफ आएगी, उस तब तक ये इन दोनों कॉलेज में आपके जो एडमिशन है वो क्लोज हो चुके होंगे। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि आपकी तीसरी कट ऑफ कब तक आएगी। उसके अलावा आपकी स्पेशल ड्राइव कट ऑफ, या जिसे स्पेशल कट ऑफ कहते हैं, वो कब तक जारी की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी तीसरी कट ऑफ है वो आपको 30 अगस्त को देखने को मिलेगी शाम 5 बजे तक। और इसके अलावा जो आपकी स्पेशल ड्राइव कट ऑफ है, या जिसको स्पेशल ड्राइव कट ऑफ कहते हैं, वो आपको 5 सितंबर तक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यानी 30 अगस्त को आपकी तीसरी कट ऑफ आएगी, उसके बाद 5 सितंबर को आपकी स्पेशल कट ऑफ आएगी। जिनको नहीं पता स्पेशल कट ऑफ होती क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। स्पेशल कट ऑफ उन स्टूडेंट के लिए होती है जिनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कट ऑफ में एडमिशन नहीं होता। इनके अलावा इन तीनों कट ऑफ में जितनी भी सीट्स वीकेंट रह जाती है उन कॉलेज की, उन सीट्स को इस स्पेशल ड्राइव कट ऑफ में निकाल दिया जाता है। तो मतलब अभी जिसका भी एडमिशन रिजेक्ट हो गया है, या जो एडमिशन विड्रॉल कर लेते हैं, उन सभी का जो एडमिशन है वो स्पेशल कट ऑफ में हो जाता है। तो स्पेशल कट ऑफ बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट के लिए बनाई जाती है जिनका फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ और थर्ड कट ऑफ में एडमिशन नहीं होता। तो स्पेशल कट ऑफ में सबसे ज़्यादा एडमिशन और सबसे ज़्यादा सीट्स देखने को मिलती है, क्योंकि तभी सीट्स की छटाई होती है, एक तरीके से फिल्टर की जाती है सीट्स की, किन किन कॉलेज में कितनी सीट्स आपकी खाली हैं। तो तीसरी कट ऑफ आने के बाद फिर ये काम शुरू होगा। फिलहाल तीसरी कट ऑफ तक मिरांडा और हंसराज में हमें एडमिशन देखने को मिलेंगे, बट चौथी कट ऑफ जो आएगी उसके बाद हमें कोई एडमिशन हमें देखने को नहीं मिलेंगे मिरांडा और हंसराज कॉलेज में। इसका मतलब है कि फिर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं उन कॉलेज की तरफ देखना पड़ेगा जिन कॉलेज में स्टूडेंट जाना नहीं चाहते। वैसे NCVAP के जो 26 सेंटर्स हैं वो सारे ही अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं एक नेम भी होता है, एक ब्रांड होता है जो हंसराज और मिरांडा ने बना रखा है NCVAP के अंदर, जो गर्ल्स की पहली पसंद है। इसी वजह से इसके जो एडमिशन है वो सबसे पहले क्लोज होगी, इनकी जो सीट्स है वो जल्दी भरी जा रही है। टोटल अगर मैं आवेदन की बात करूँ तो 18,000 फॉर्म आए और 15,000 सीट्स पर, और अभी तक कितनी सीट्स फुल हो चुकी है, 6,500 सीट्स अब तक फुल हो चुकी है। तो तीसरी कट ऑफ में मुझे लगता है 8,000 सीट्स फुल हो जाएंगी। और मिरांडा और हंसराज को तो फिलहाल भूल जाइए थर्ड कट ऑफ के बाद, थर्ड कट ऑफ तक मौका मिलेगा। स्पेशल ड्राइव में भी मौका मिल सकता है जनरल वालों को, बट जनरल वालों को चौथी कट ऑफ में मुझे लगता नहीं मौका मिलेगा। एडमिशन पूरी तरीके से क्लोज हो सकते हैं, क्योंकि सीट्स 95-96% सीट्स आपकी फिल हो चुकी है। सबसे ज़्यादा आवेदन मिरांडा और हंसराज मिले, जिसकी वजह से जो NCVAP बोर्ड है उनके जो ऐसे स्टूडेंट की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है जिनका कहने के कट ऑफ या तो हाई जाता है या मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट में आ जाता है। क्योंकि देखिए, सबका एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है, जितनी सीट्स हैं उनके ही एडमिशन कन्फर्म होंगे, ये आप समझते हो। तो तीसरी कट ऑफ आपको 30 अगस्त को देखने को मिलेगी, और पाँच और आपका स्पेशल कट ऑफ आपको 5 सितंबर को देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो, और कोई अपडेट होगा ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।